वरती करत असताना आणि धन्यवाद अजय जी, आपण वेळात वेळ काढून इथे उपस्थित झालात त्याबद्दल आपलं मनाच्या अंतकरणापासून आभार व्यक्त करतोय अमोलजी वैराग आणि संपूर्ण ज्वेलर्सच्या टीम कडून. तर मॅन ऑफ द मॅच तर श्रवणजी बेर्डे साहेब यांच्या माध्यमातून स्पॉन्सर्ड केलेलं मॅन ऑफ द मॅच आणि तो मॅन ऑफ द मॅच येथे दिला जाईल. मागील मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच तर मागील मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच प्लेअर ऑफ द मॅच आणि हा अवॉर्ड जातोय या पारितोषिकाचा मानकरी ठरतोय. नाव आहे मनोज पवार. मनोजजी पवार आपण या आदरणीय श्रवणजी बेर्डे यांच्या माध्यमातून स्पॉन्सर्ड केलेली मॅन ऑफ द मॅच आपणच देऊन मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी देऊन आपला गौरव करण्यात येईल. मनोजजी पवार यांचा गौरव केला जातोय. श्रवण बेर्डे यांच्या शुभ हस्ते. थँक्यू श्रवणजी बेर्डे. राहुल जैन सर जी का भी आगमन हुआ है, उनका भी हम दिल के गहरा से इस्तकबाल करते हैं. लीग भाई का इशारा हम पांच द्वारा. तर किशोर बागडे यांनी जर का दोन विकेट घेतल्या तर अमोल वैराग यांच्याकडून 500 रुपयाचं बक्षीस लागवण्यात आलेलं आहे. श्री अब इमानों की इनामों की राशि भी इस मैदान पर आती हुई नजर आएगी अमोल सर जी के द्वारा. बेहतरीन गेंद थी, आउटसाइड खेलना चाहते थे, बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर छुपते हुए डॉट गेंद. बवाल अब जवाब मुकाबले आप सुबह के क्षेत्र में, उसके बाद अब तुकाराम सर जी की आवाज को सुन रहे थे. भरत मोरे सर जी ने भी बड़ा योगदान दिया. आउटसाइड खेलना चाहते थे, गेंद पॉइंट के क्षेत्र में जाती हुई जब तक गेंद को फील किया जाएगा. बैट का टोन लकी हुई गेंद पॉइंट के क्षेत्र में एक रन के साथ रन संख्या आगे सरकती हुई 4 रनों पर. किशोर गेंदबाजी पर है, स्ट्राइक पर है. फ्लिक किया गेंद क्वालिफाइनल क्षेत्र में ट्रैवल होती हुई जब तक गेंद को फील किया जाएगा. किशोर अगर गेंदबाजी में 2 विकेट लेते हैं तो अमोल सर जी के द्वारा 500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा. अब इनामों की राशि भी शुरू होती हुई तमाम दर्शक चारों तरफ इस मैच का लुभ उठाते हुए और डीवीएन लाइव पर तमाम दर्शक हमें सुन रहे, देख रहे हो, तमाम दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत है. अमोल सर जी के द्वारा बड़े ट्रॉफी आप देख रहे हैं. 2023 का ये महासंग्राम महोत्सव आपके सामने है. अच्छी गेंद थी, लेट कट करना चाहते थे, बैट और गेंद का फिर से कोई संबंध नहीं, लाजवाब गेंदबाजी. ओवर नंबर खेल समाप्त होता हुआ पहला रन संख्या है 6 बिना कोई नुकसान के. क्यों चलिए ज्यादा वक्त नहीं जाना चाहिए. आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचा प्रेक्षकांचा आलेल्या पाहुण्यांचा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. अमोल सरांच्या वतीने वाढदिवस ट्रॉफी 2023 आपण पाहत आहे. नितेश येतोय गोलंदाजी करण्यासाठी संघासाठी दुसरं वैयक्तिक आपलं पहिलं षटक घेऊन. क्या ये बेहतरीन मुकाबला आप नारंगी के मैदान पर देख रहे. तमाम क्रिकेट प्रेमी तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है. अमोल सर जी जिन्होंने बर्थडे ट्रॉफी 2023 अपने सामने पेश की गई है तमाम क्रिकेट प्रेमियों के लिए. शॉर्ट गेंद थी, पुल कर दिया, डीप को अलग क्षेत्र में गेंद जा रही है मगर खिलाड़ी जब तक आकर गेंद को कलेक्ट कर पाएंगे एक रन जरूर पूरा होता हुआ. एक रन के साथ टीम की रन संख्या जा बढ़ती हुई 7. टीम बल्लेबाजी करती हुई जो 2 विकेट लेगा
तो विकेट पर 500 रुपए दिए जाएंगे अमोल सर जी के द्वारा। शॉर्ट गेंद थी, फ्रैक्शन पर खेल दिया, गेंद जा रही थी फाइन लेग पर, खिलाड़ी उस गेंद को फील कर पाएंगे। लाजवाब फील्डिंग, अपने टीम के लिए 3 रन बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि दोस्तों आप यहां पर आपको गिरना भी होगा, गिर कर खड़े होना होगा और फिर खेलना भी होगा, क्योंकि ये मैदान बराबर ड्यू फैक्टर आपको बहुत कुछ देकर सिखाते हुए नजर आएगा। कभी गेंद थोड़ी सी गोटलाइन से उछाल लेती हुई नजर आएगी, कभी गेंद नीचे रहती हुई नजर आएगी, चमत्कार होता हुआ नजर आएगा इस मैदान पर। शॉर्ट गेंद बैकफुट पर जाकर नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आया है। आप यहां पर गेंदबाजों को भी बदलना होगा, क्योंकि ये टूर्नामेंट में आप गेंदबाजी पर फ्री गेंदबाजी कर सकते हैं, थ्रो गेंदबाज अलाउड नहीं है। इखलास जवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम चलता हुआ ये नारंगी के मैदान पर, और ये नारंगी का मैदान है नारंगी ग्राम सम्मेलन। नारंगी ने बेहतरीन मेहनत के साथ इस मैदान को सजाया है और तमाम खिलाड़ी तमाम दर्शकों का दिल कहता है कि इस मैदान पर जाए हमारे खेल का जलवा हम बिखरे। बैट का किनारा, विकेट कीपर का सारा, बल्लेबाज गॉन, ये गेंदबाज बदली हुए और पहली गेंद पर मिलती हुई सफलता, एक मधुर संगीत मैदान पर आता हुआ। कम ऑन डीजे, वाले को अमोल सर जी के द्वारा 500 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। न्यू बैटर मैदान पर विजय, न्यू बैटर आए हैं, क्या अपनी टीम के लिए विजय बल्लेबाजी का जलवा भी करेंगे, क्योंकि पहली बल्लेबाजी चल रही है, टारगेट सेट करना होगा, क्योंकि अब ये रात का समय है, 9:15 बज चुके हैं। लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम चलता हुआ। शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास था, बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में, डॉट बॉल। आप तो पेशर वाले मुकाबले देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये पहली मुकाबले आप देख रहे हैं, उसके बाद दूसरे फेरी की जब शुरुआत हो जाएगी, हर टीम अपने ये ट्रॉफी के लिए लड़ती हुई नजर आएगी। विजय के लिए अगली गेंद, शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पर गेंद को खेला, गेंद हवा में है, खिलाड़ी उसके से दूर है, दूसरे रन की मांग है, रनआउट का मौका हो सकता है, थ्रो खास नहीं है, और 2 रन के साथ विजय ने अपने खाते को ओपन किया, टीम को पहुंचाया 11 रनों पर। अक्षय गेंदबाजी कर रहे हैं। विजय सर जी, आप अगर सिक्स लगाते हैं तो अमोल सर जी की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आप यहां पर बैंक बैलेंस बढ़ाने का मौका है, गेंदबाज हो या फिर बल्लेबाज। शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पर गेंद को खेला, कवर रीजन पर खिलाड़ी है, एक रन रोकने में नाकाम, दूसरे रन की मांग है, रनआउट का मौका हो सकता है, मगर बल्लेबाज अपने क्रीज में मौजूद होते हुए नजर आएंगे। एंड थ्रो गलत था, विकेट कीपर के दस्ताने में अगर यह गेंद जाती तो विजय को भी लौटना पड़ता। इस 2 रन के साथ इसको जाप होता हुआ 13, 2 ओवर का खेल समाप्त। एक लेते हैं मधुर संगीत और फिर आते हैं मैदान पर। कमान डीजे, धाव संख्या पण पाहत होती 13, 2 षटकांचा खेळ पूर्ण होतोय मैदानात, शेवटचा षटक घेऊन येणार कोण, कोणाच्या खांद्यावर जबाबदारी दिली जाणार आहे ते आपण पाहूया। आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचा, प्रेक्षकांचा, आलेल्या पाहुण्यांचा मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे या नारंगीच्या मैदानाचा। एवान शोइलर्स आयोजित अमोल सर वाढदिवस ट्रॉफी 2023 आपण पाहतोय। 2 विकेट लेने वाले को 500 रुपए और विजय अगर सिक्स लगाते तो अमोल सर जी की दानी से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। एक बेहतरीन व्यक्ति है और तमाम ने प्रेम दिया है, इससे इतनी बेहतरीन टूर्नामेंट आपके सामने पेश करते हुए अमोल सर जी।
हमेशा पहली गेंद बीट होती हुई। चलिए हम पार का क्या निर्णय आएगा ये देखना होगा। फील्डिंग सेशन में नो दिया गया, अगली गेंद होगी फ्री हिट। ये टूर्नामेंट है सुपर हिट, अगली गेंद है फ्री हिट। उगा डोए पानी पुरसा चेंडू है फ्री हिट। क्या मुकाबला चलता हुआ। और दोस्तों एक एक रन के लिए तड़पना पड़ता है। जीवनशाला का एक मार्क्स, राजनीति का एक मतदान बहुत कीमती है ना, वैसा एक एक गेंद आपके लिए और एक एक रन बहुत कीमती है। इस मुकाबले में लड़ना होगा क्योंकि इस मैदान पर पराजित का छाया हमने बहुत बार देखा है और ये फन लाइट में तमाम क्रिकेट प्रेमी ने अपने जी जान लगाई है, मगर अपेक्षा उनको लगा है, मगर जीत का हायरा कौन सी टीम आज के दिन पहरेगी ये देखना भी होगा। ये वाइट का इशारा जरूर हो जाएगा, दोनों हाथ अंपायर खोलेंगे, वाइट का इशारा था। फ्री हिट जारी रहेगी। इस टूर्नामेंट में तीन रात की तमाम कमेटी मेहमान ने और इस टूर्नामेंट को बेहतरीन अंदाज में सजाया। 5 तारीख को थोड़े से कारण में ये मुकाबले बंद हुए थे, उसके बाद आज की 9 तारीख की रात तमाम के लिए खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरी मौका लेकर आई है। अच्छी गेंद, स्विंग एंड मिस, एक लाजवाब गेंदबाजी का जलवा, मगर ये गेंद फ्री हिट थी, ये ध्यान में रखना होगा क्योंकि आपको सिर्फ रनआउट का विकेट इस फ्री हिट में दिया जाएगा और हर खिलाड़ी बल्लेबाज बच जाएगा, विकेट हो क्लीन बॉल हो या कैच हो LBW के साथ बच जाएगा, मगर रनआउट के विकेट से आप नहीं बच पाएंगे। शॉर्ट गेंदी पुल करना चाहते थे, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में, अब विजय को लौटना होगा। चीज पे इनामों की राशि थी वो बल्लेबाज मैदान के बाहर, और एक झटका लगता हुआ टीम के लिए। कमांडी के रोहन ये बैटर है, अच्छी गेंद ड्राइव किए लॉन्ग ऑफ पर, गेंद हवा में है, खिलाड़ी बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने, दर्शन ही सिक्सर आता हुआ, कम ऑन दी गया। रनों के लिए फरार होती हुई गेंद, इसको जहां पहुंचता हुआ 21-21 रनों पर। यह रात का समय है, यहां पर कौन कहता है कि सिक्सर नहीं लगते, बहुत ही सुंदर मैदान है और यह मैदान ने बहुत कुछ देखा है दोस्तों। यह नारंगी ग्रास मैदान, नारंगी का मैदान है, जिन्होंने दिन रात की मेहनत की और सफलता अपने लिए पाई है। इस मैदान पर हर खिलाड़ी चाहता है कि हम आकर खेले और उनका सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। 24 तारीख से इसी मैदान पर एक लाजवाब टूर्नामेंट का आगाज भी आप देखेंगे दोस्तों। 21 रन, 2 गेंदों का खेल हुआ है। शॉर्ट गेंदी पल कर दिया, गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां पर से, बल्लेबाज को लौटना होगा, लरचाई गेंदी, बल्लेबाज गॉन, कम ऑन डीजे। शुक्रिया डीजे, थैंक यू, धन्यवाद। आए तमाम क्रिकेट प्रेमी, तमाम दर्शकों का फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। टीवी लाइव पे तमाम दर्शक हमें सुन रहे, देख रहे हो, तमाम दर्शकों का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है अमोल सर जी के द्वारा। वाट योर ट्रॉफी 2023 अपन बात में मित्रों, छब्बीस नवम्बर को इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ था, मगर आज 9 तारीख दिसंबर की रंग लेकर आई है। हर खिलाड़ी को सपना था कि इस मैदान पर जाए, हमारे खेल का जलवा बिगड़े, और अमर सर जी ने कहा कि आपने सपने को मैं पूरा करूंगा, और सपने को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। लो फील्ड टॉस गेंद थी, वहां पर बीट हुए गेंद विकेट कीपर, और एक बल्लेबाज को लौटना होगा, कम ऑन डीजे।
खरे रे वेरियर टीम आणि वेरियर टीमचे कर्णधार आपल्याला विनंती करतो आपण टॉस साठी या प्लीज. चला ज्या संघाला पुकार दिली गेली त्यांनी या आणि नेट मध्ये जे प्रेक्षक खेळतात त्यांना विनंती आहे का कोणी खेळू नका. नेट मध्ये कोणतेही खेळाडू खेळू नका. संधासा चेंडू पाहूया पंचांचा काय इशारा येतो. अनुन एक फलंदाज बात होतोय तंबूची असायला कमांडी जे विनंती का पुत्या नेट मधून बाहेर या. समोर जो नेट आहे लेदरची जी नेट आहे त्या नेट मधून सगळ्यांनी बाहेर या प्लीज. युवा क्रीडा कमिटी मेंबर्स आपण लक्ष द्या आणि नेट मध्ये जे कोण प्रॅक्टिस करत त्यांना बाहेर काढा प्लीज. तिथे बंदी आहे तिथे कोणीही सरावासाठी आतमध्ये जाऊ नका. रिक्वेस्ट आहे आपणास. कोनवली आणि वेरळ कोनवली आणि वेरळ कोनवली आणि वेरळ यायचंय. कोनवली कोनवली आणि वेरळ कर्णधार टॉस साठी या. मित्रांनो आपल्या सर्वांना विनंती आहे की आपण त्वरित येत जा कारण वेळ तितका आपल्याकडे आहे नाही जितका तुम्ही विचार करत आहात. त्यामुळे प्लीज आपल्याला जर का कॉल दिला असेल किंवा तुम्हाला जर का लॉट्स तुमच्यापर्यंत पोहोचले असतील तर कृपया करून आपण त्वरित त्या इनिंग ब्रेकमध्ये टॉससाठी उपस्थित राहायचं आहे. कोनवली आलात का कोण वेरळ वेरळ आलाय कोनवली बाकी आहे. चला कोनवली आपण सुद्धा या. आणि आता झालेला नाही पहिला झालेला मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच बाकी आहे. तर जो कुडूक आणि डीसीसी जावरी यांच्यामध्ये सामना झाला होता त्यामधील मॅन ऑफ द मॅच देणं बाकी आहे. त्यामुळे विनंती करेल कुडूक संघातील त्या मॅन ऑफ द मॅचच्या पुरस्काराचा मानकरी राहुल बैकर. राहुल बैकर आपण या. आपला गौरव केला जाईल मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी देऊन जी ट्रॉफी स्पॉन्सर्ड केली गेली आहे श्रवणजी बेर्डे यांच्याकडून. आणि श्रवणजी बेर्डे आपण ती ट्रॉफी देण्यासाठी समोर यायचं आहे. राहुल बैकर याला मॅन ऑफ द मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी देऊन गौरव करण्यात येईल. दोन्ही कॅप्टन आलेत का. कोनवली आलाय आणि वेरळ सुद्धा आलाय. राहुल बैकर चला टॉस कोनवलीने जिंकलाय. कोनवली निर्णय सांगायचा आहे. बॉल फर्स्ट काय हरकत नाहीये. तयार राहायचंय. मॅच संपल्यानंतर लगेच मैदानात या. तर कोनवली विन द टॉस अँड दे हॅव इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट. आणि दोन्ही संघ कर्णधार आपण एक एक प्लेअर पाठवा स्क्वॉडसाठी. स्क्वॉडची नावं देण्यासाठी एक प्लेअर पाठवायचंय. 18 चेंडू आणि 22 धावांचा आव्हान आहे. क्या ये मैदान पर जवाब मिल पाएगा. बेहतरीन ये मुकाबले आप देख रहे. तमाम क्रिकेट प्रेमी तमाम दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है. मैन ऑफ मैच साठी खाली जा. मैन ऑफ मैच खाली दिले जाणार आहे. 18 चेंडू आणि 22 धावांची गरज आहे या सामना जिंकण्यासाठी. सलामी दोरी आपण मैदानात पाहतोय. किशोर स्ट्राईकला नॉन स्ट्राईकला
संतोष याला पाहतोय, गोलंदाजी साठी पाहतोय त्याला, रोहन याला पाहतोय, पंतांचा इशारा होतोय, सामना प्ले होतोय, येणारे 1809 आणि 22 धावांची गरज, दोन्ही संघाला अधिक शुभेच्छा, दोन्ही टीमोंका हार्दिक अधिक बधाई। बिग फाइट बिग लड़त आप देख रहे हैं नारंगी के इतिहासी मैदान पर, एक लाजवाब क्रिकेट का मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम। बेहतरीन गेंदी कवर की दिशा में खेला, खिलाड़ी है वहां पर, ले लिया कैच, बल्लेबाज की खेली को लगा दिया विराम, बल्लेबाज गॉन, कमांडीज। मैदान पर आ रहे हैं, गेंदे मैदान पर बची रहेगी, आप 17 रन आने बाकी देंगे, 22 रनों की दरकार है। पहली गेंद पर मिलती हुई सफलता, आपने इरादे को स्पष्ट किया है गेंदबाज ने, मगर क्या आने वाली है 17 गेंद पर बल्लेबाज खुल पाएंगे, गेंदबाज खुलने देंगे, या आने वाला समय तय करेगा। बेहतरीन गेंदी, देखना होगा अंपायर का क्या निर्णय आएगा, हमारे कॉम्बॉक्स में व्हाइट का इशारा, लेते बाहर से निकलती हुई गेंद, 100 रन के साथ खाता खुलता हुआ टीम का। अब गेंद है मैदान पर, 17 रन आने बाकी 21, 17 चेंडों आने, 21 धावन जी कर दिया सामना जीतने साड़ी। बिग फाइट बिग लड़त आप देख रहे हैं, 17 डिलीवरी एंड 21 रन रिक्वायर्ड टू मैच, खिलाफ आप क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम चलता हुआ। शॉर्ट गेंदी बैकफुट पर गए, गेंद को कट कर दिया, गेंद गली रीजन पर जाती हुई, जब तक गेंद को फील किया जाएगा डीप थर्मन गली रीजन पर, और 2 रन 1 ही रन से संतोष हो जाएंगे दोनों खिलाड़ी, जहां पर 1 को 2 में तब्दील होना चाहिए, और ये थोड़ा सा होता हुआ नजर आएगा, कभी गेंदबाज तो कभी खिलाड़ी तो कभी बल्लेबाज, क्योंकि ये डी फैक्टर आपको देखने को मिलता है वह ये मैदान पर, क्योंकि ये रात का समय है, ठंडी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है, दिसंबर का महीना आप देख रहे हैं, 9 तारीख। लो फुट टॉस बनाकर गेंद को खेला, खबर पर खिलाड़ी तैनात है, गेंद को रोकने में नाकाम, 1 रन रोकने में भी नाकाम रहेंगे, इसी रन के साथ इसको जा पहुंचेगा 3, अभी भी 19 रनों की दरकार है, गेंद आने बाकी है मैदान पर। फुल टॉस गेंद कवर की दिशा में खेला, लाजवाब फील्डिंग, रन आउट का मौका बन सकता था, मगर एंड गलत थ्रो पर है, 1 रन के साथ इसको जा पहुंचेगा 4, 14 गेंदे और अभी भी 18 रनों की दरकार है, 4 का वो फासला है, वो दूरी किया जाएगा या नजीक किया जाएगा गेंदबाजों के द्वारा, ये देखने वाली बात होगी, बड़ा मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच। बेहतरीन ड्राइव किया है कवर की दिशा में, खिलाड़ी जब तक गेंद को कलेक्ट कर पाएंगे, 1 रन आसान से पूरा था, स्लो बेहतरीन है, गेंदबाज का रन आउट का मौका है, मगर बल्लेबाज अपने क्रीज में मौजूद होते हुए इस 2 रन के साथ इसको जा पहुंचेगा 6 रनों पर। अब गेंद है मैदान पर, 13 रन आने बाकी है, 16, बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ दोस्तों, ये क्रिकेट का खेल है, कभी खुशी तो कभी गम है, कभी ये रुलाता है तो कभी हंसाता भी है, गिरगोट ने रंग बदला है, ये क्रिकेट इससे फास्ट भी रंग बदलता है, एक गेंद अच्छी तो एक गेंद बुरी, अच्छी गेंद थी, डांसिंग डॉन्ग खेला, गेंद बैट का हिट लेकर गेंद पॉइंट और रीजन पर जाती हुई, जब तक गेंद को फील किया जाएगा, आप बल्लेबाजों ने अपनी दिमाग की बत्ती को जलाया है, ओवर नंबर खेल समाप्त होता हुआ, पहला रन संख्या होती हुई 7, पंद्रह रनों की दरकार है, 12 चेंडों का गेंद अभी भी आना बाकी, 12 चेंडों यानी 15 धावा, दोनों संघाला हार्दिक अधिक शुभेच्छा, 12 गेंदे और 15 रनों की दरकार है। क्योंकि तमाम खिलाड़ी इस मैदान पर अपने खेल का जलवा बिखरने आए हैं, दिखाने आए, मगर तमाम क्रिकेट प्रेमियों ने आज इस नारंगी के मैदान पर अपने खेल का जलवा बिखरा है, क्योंकि सुबह से टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, तमाम क्रिकेट प्रेमी तमाम दर्शकों के बीच एक लाजवाब मनरघर के तमाम सितारे हैं, जिन्होंने बड़ा सफर तय किया विरार की नगरी में आने के लिए, और उनके कदम लाए और इस मैदान पर उन्होंने अपने खेल का जलवा बिखरा है। 12 गेंदे 15 रनों की दरकार है, दोनों संघाला हार्दिक शुभेच्छा, दोनों टीमों को हार्दिक हार्दिक बधाई। ये दिशाई गेंद होगी, क्या करार देंगे अंपायर, वाइट का इशारा आया है, आप गेंदे हैं 12 रन आने बाकी है 14, मैंने कहा ना आज की रात आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, डीवेन लाइव पे भी तमाम दर्शक जुड़े हैं उन्हें भी बहुत कुछ देखने का मौका मिल जाएगा,
चूंकि ये डी फैक्टर आपको मैदान पर नजर आएगा। चेंज अप पेस गेंद थी, पैड अंपायर में गेंद को ड्राइव किया, गेंद वायरिश लॉन्गा पर जा रही है, लॉन्गा के खिलाड़ी जाकर गेंद को कलेक्ट कर पाएंगे, दो रन आसानी पूरे, थ्रो जाएगा गेंदबाज के हाथ में, मगर मना किया, कॉलिंग अच्छी है, रन आउट का मौका है, बल्लेबाज गॉन और एक झटका लगता हुआ, कम ऑन डीजे। और 12 रनों की दरकार है। मैंने कहा था दिल शाम के बेटे इस मुकाबले में ट्विस्ट कानी वाला मुकाबला है, कभी उधर तो कभी इधर वाला, यही तो क्रिकेट का खेल है ना, कभी एक डगआउट में खुशी है तो एक डगआउट में गम है, कभी एक डगआउट रोया है तो एक डगआउट खुशी के झूम में झूमा है। ये नारंगी का मैदान है, बहुत कुछ देखा यह मैदान है। फुल टॉस गेंद ड्राइव किया, फिर से गेंद लॉन्ग ऑन पर जाती हुई, जब तक लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट कर पाएंगे, दूसरे रन की मांग है, दूसरा रन भी पूरा किया जाएगा और स्कोर में बढ़ोतरी हो देवी। आप गेंदे हैं मैदान पर 10 और रन आने बाकी है 10। क्या ये मुकाबला चलता हुआ, 22 रनों का दरकार थी, मगर वहां पर पहली ओवर थोड़ी सी तफका हुई। न्यू बैटर मैदान पर आए हैं साहिल, आए हैं, नाम बड़ा है, काम भी बड़ा करना होगा, क्योंकि दोस्तों यह मैदान पर आज सैटरडे का दिन है, मगर दोस्तों आज की रात किसके नाम लिखी जाएगी, कौन होगा चैंपियन, फुल टॉस गेंद गेंद को मोड़ा मिडिल पर, जब तक गेंद को फील किया जाएगा, आपका मौका है, डायरेक्ट हीट, दूसरे रन की मांग होगी, हाँ नाम है, कॉलिंग अच्छी होनी चाहिए, 9 चेन वानी 9 दावा का सामना होता है, प्रेक्षकों ने 2 टाइम वादा धोनी संगाधारी, ये मुकाबले में ट्विस्ट कहानी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आपके घर के खिलाड़ी है, आपके समाज के खिलाड़ी है, एक प्लेटफॉर्म ये समाज के लिए हमोर सर जी ने दिया और एक बेहतरीन मुकाबला आपके सामने चलता हुआ। 9 गेंदे और 9 रनों की दरकार है ये मुकाबले को जीतने के लिए। साई स्ट्राइक पर अगली गेंद के लिए तैयार हो जाएंगे, फुल टॉस गेंद फिक्स कर दिया, इसको अलग क्षेत्र में गेंद आया, जब तक फील की जाएगी, दूसरे रन की मांगे, विकेट कीपर के दस्तान में थ्रो, 2 रन पूरे होते हुए, क्या रन विकेट, देखिए आज सब कुछ देखने को मिलेगा, आज की रात आपको एंजॉय करने का मौका दिया अमोल सर जी ने। ये नारंगी का मैदान है, डिफेक्टर आपको यहां पर कभी स्लीप करेगा, मगर मैं अपनी टीम के लिए गिरना भी जानता हूं, मैं खड़े होकर अपनी टीम के लिए खेलना भी जानता हूं, ये खिलाड़ी खेल आते हुए देखते हुए मिलते हुए, क्योंकि ये खेल होना भी चाहिए। आठ गेंदे 7 रनों की दरकार है, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को खेला कवर रीजन पर, जब तक गेंद को फील किया जाएगा, एक रन जरूर मिलेगा। अब 7 गेंदे 6 रनों की दरकार है, ये गेंद दोनों टीमों के लिए विशेष होगी। हाफ चेंडू दोनों संगा साड़ी खूब मतवादास नारा है, इनारे 7 चेंडू आनी 7 आवाजी कर रहा है, क्या मुकाबला चलता हुआ दोस्तों, ये क्रिकेट का खेल है। ओहो बेहतरीन गेंद, गेंद पैरों पर लगी, मगर एक रन जरूर पूरा हो जाएगा दोनों बल्लेबाजों के द्वारा, लेग बाय कैशर अंपायर द्वारा, ओवर नंबर 2 का खेल समाप्त होता हुआ, रन संख्या बनी है 17 रनों पर, 5 रनों की दरकार है, मुकाबला समाप्त नहीं हुआ, पिक्चर ऑन है, टीवी ऑन रखी। चलिए आने वाली तमाम 6 गेंदे और 5 रनों की दरकार है, गेंदबाजी पर बहुत ही बड़ा जवाबदारी दी है कप्तान ने, क्या अपने कप्तान की जवाबदारी को निभा पाएंगे या बल्लेबाज इस मैदान पर हीरो बनेंगे, एक बनेगा नायक एक बनेगा खलनायक, और दोस्तों ये मैदान पर आपको बनना होगा, क्योंकि साल दूसरा है, मगर ये साल में आपको चैंपियन बनने के लिए लड़ना होगा, पसीने गंवाने पड़ेंगे, ये रात का समय है, ठंडी का मौसम है, मगर पसीने और मेहनत बिना ऊपर वाला कुछ नहीं देखा जाता। 7 चेंडू 5 दावाजी का रहता है, धोनी संगला हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा,
शॉर्ट गेंद थी, डबल बैट लगा, गेंद थर्ड मैन पर ट्रैवल हुई है, खिलाड़ी उस गेंद का पीछा कर रहे हैं, ऑफ फील्ड है, मगर डी फैक्टर है मैदान पर, दो रन जरूर पूरे हो जाएंगे, अब गेंद है मैदान पर, पांच रन आने बाकी है, तीन पांच चिन्ह वाली तीन दावा, प्रेक्षकों का सामना होते जैसे मुकाबले होने चाहिए, जीत हार तो एक टीम के लिए जरूर लगी है, मगर क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, समाज की जीत होनी चाहिए इस मैदान पर। आज सुबह में भी हमने बेहतरीन मुकाबले देखे हैं। शॉर्ट गेंदी बैट का एज लगा, गेंद फाइन लेग पर है, थर्ड मैन के खिलाड़ी गेंद को रोक पाएंगे, एक रन रोकने में नाकाम रहेंगे। चार चेंडू दो अंदावा, धोनी संगल हार्दिक शुभेच्छा। आज ठाकुर विलेज में भी वाकई में छह गेंदे छह रन चाहिए थी, मैडन ओवर हमने देखा और वो मुकाबला हवा गवाया है मैदान पर, लीग मैच के मुकाबले थे, मगर दोस्तों ये चार गेंदे और दो रनों की दरकार है, यही तो क्रिकेट का खेल आपके लिए बना है, बनाना होगा, गेंदबाज लड़ना होगा, पसीने गवाने पड़ेंगे, बल्लेबाजों को प्रेशर में लाना होगा, गेंदे बिंदी आएगी बल्लेबाजों पर प्रेशर बनेगा। चार चिन्ह दो दावाजी कर रहा है, धोनी संगल हार्दिक शुभेच्छा, साइड स्ट्राइक पर बल्लेबाजी के लिए है, अगली गेंद साई खेलने के लिए तैयार, लेग स्टंप के बाहर ये दिशाई गेंद अंपायर घूमेंगे, स्कोर लेवल होता हुआ, चार गेंदों पर एक रनों की दरकार है, ये क्रिकेट का खेल आपको दिखाता है, प्रेशर है, प्रेशर में कोई बीत जाता है और प्रेशर में दबाव बहुत कुछ आपको सहने भी पड़ते हैं, दबाव में कोई बिगड़ जाता है तो कोई निकल जाता है, दो चीज की सीढ़ी बनती है, एक तो अपने घर की कुपकर की और एक साउथ अफ्रीका टीम की, मगर आखिरी चार गेंदे और एक रनों की दरकार है, आखिरी रन अभी तक पूरा नहीं हुआ, इस मुकाबले को मैंने ना जीता ना मैंने हारा है, आखिरी गेंद मैदान पर ट्रैवल नहीं होती जब तक, ये देखिए प्रेशर है, प्रेशर है, मैंने कहा ना ये प्रेशर का दबाव का मुकाबला है, बल्लेबाज को लौटना होगा, तीन गेंदे एक रनों की दरकार है, कम ऑन डीजे, आज सामना रंगदार होते, तीन चेन वाली एक दावांजी कर रहा है, लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम चलता हुआ नारंगी के मैदान पर, वैभव न्यू बैटर मैदान पर आए हैं, तीन गेंदे और एक रनों की दरकार है, मगर कहते हैं ना मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए, मगर आप गेंदबाज इस मैदान पर नायक या फिर खलनायक बन जाएंगे, करना होगा, लड़ना होगा, पसीने गंवाने पड़ेंगे दोस्तों, इस तीन गेंदों में अगर इस गेंद पर भी बिंदी गेंद या विकेट आएगा तो ट्विस्ट कानी लेकर आएगा यह मुकाबला, दिल की धड़कनें तेज करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यह मुकाबला ही वैसा है ना, ये क्रिकेट का खेल ही वैसा बना है, कभी इधर तो कभी उधर, कभी चढ़ाव तो कभी उतार है, तीन चेनों ने एक दावन जी गलत है, चर्चा हो रही अंपायर के द्वारा, कमेटी मेंबरान खिलाड़ी के द्वारा, मगर क्या वो चर्चा, ज्यादा चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, चर्चा ज्यादा होती है तो खर्चा भी ज्यादा होता है, सुबह की चाय बड़ों की राय समय समय पे होनी चाहिए, तीन गेंदे एक रनों की दरकार है, क्या ये गेंदे बिंदी आएगी, बल्लेबाजों पर प्रेशर आएगा या आसानी से इस मैच को जीत लिया जाएगा, लेक्सम के बाहर गेंद, सुशांत की खराब गेंदबाजी से यह मुकाबला एक्स्ट्रा के साथ जीत लिया, आइए नेक्स्ट मैच की, दोनों टीमों में टॉस हुआ है, जल्द से जल्द आपका मैदान का ताबा लें और माइक्रोफोन पर थोड़ा सा बदल हो जाएगा, माइक्रोफोन पर आएंगे तुकाराम मांगेला सर जी।